हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि UTL गामा प्लस इन्वर्टर ही क्यों खरीदें। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं UTL गामा प्लस इन्वर्टर के बारे में। देखो जी, सपोज करो आपका नॉर्मल इन्वर्टर है, इसके साथ हमें 330 वाट के चार पैनल कनेक्ट कर रखे हैं। तो क्या हुआ, अगर आपको 1400 या 1500 VA का आपका सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो 330 वाट के चार पैनल लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप UTL का गामा प्लस लगाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी ये चार पैनल से बिजली बना रहा है नॉर्मल PWM वाला सोलर इन्वर्टर, उतनी बिजली ये तीन पैनल में बना देगा। तो आपकी क्या है, एक पैनल के पैसे बच गए, एक 330 वाट के पैनल के पैसे बच गए। तो एक 330 वाट का सोलर पैनल आता है लगभग 8,000 से 9,000 का आता है। और उस जिससे सपोज़ करो आपको चार पैनल लेने हैं, आपने तीन पैनल ले लिए और एक पैनल का जो प्राइस है वो 8,000 से 9,000 है, तो इस जो एक पैनल का आपके पैसे बचे उसमें आपका UTL गामा प्लस का सोलर इन्वर्टर ले सकते हो। 8-9 हज़ार में ही आपके आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको बिल्कुल मुफ्त मिल गया, क्योंकि पहले आप चार सोलर पैनल और एक PMW वाला इन्वर्टर ले रहे थे, बट ये तीन में ही उतनी बिजली बना देगा। तो जो एक पैनल के आपके पैसे बचे हैं उसमें आप ये ले लोगे तो आपके बिल्कुल मुफ्त पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो RMPPT टेक्नोलॉजीज में यूज़ की गई है वो PMW से अच्छी क्यों है, PWM से अच्छी क्यों है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो RMPPT टेक्नोलॉजी क्यों बेहतरीन है, क्योंकि ये 30% ज़्यादा सोलर बिजली बनाती है और इसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। जो UTL है इसमें ही RMPPT टेक्नोलॉजी है और बाकी की कंपनीज में MPPT टेक्नोलॉजी आती है, तो ये है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। देखो अब ये कैसे काम करता है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ देखो, RMPPT का मतलब होता है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है, जैसे सूर्य की रोशनी चेंज होगी सुबह से शाम तक, तो उसके अनुसार वोल्टेज भी कम ज़्यादा होती रहेगी। तो हर समय जो पैनल की वोल्टेज के हिसाब से कौन से वोल्टेज पर हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, देखो वोल्टेज चेंज होगा तो कौन से वोल्टेज पर हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी, उस वोल्टेज को ये ट्रैकिंग करता है। देखो सपोज यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, तो जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस वोल्टेज पर जो जैसे सपोज 17 वोल्ट पर हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है, जैसे 20 वोल्ट पर देखो बहुत कम मिल रही है, तो ये क्या करेगा, जो जिस वोल्टेज पर हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी उसको ट्रैक करेगा और वही पावर हमें आउटपुट में देगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब ये जो नॉर्मल आपका PMW है वो पावर कहाँ से लेता है, यहाँ से लेता, ठीक है। बट ये कहाँ से ले रहा है, देखो जो आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाला चार्ज कंट्रोलर है वो यहाँ से पावर ट्रैक करता, बट ये कहाँ से कर रहा है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब वो वोल्टेज की वैल्यू जिस पे पावर मैक्सिमम हो, तो यहाँ से ये ट्रैक कर रहा है MPPT। तो आपको पावर क्या है, ये एक्स्ट्रा पावर मिलेगी इतनी, तो ये बूस्ट करता है, जो भी एम्पियर होंगे उसको बूस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, एक बैटरी से दो बैटरी जितना बैकअप देगा ये, क्योंकि ऊपर सोलर से भी पावर आएगी। नेक्स्ट देखो आगे, हाँ इसमें LCD डिस्प्ले होती है जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती है। नेक्स्ट, हाँ UTL सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में किसी भी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, चाहे SMA बैटरी हो आपके पास, चाहे JL बैटरी हो, चाहे ट्यूबलर बैटरी हो, तीनों प्रकार की बैटरी लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, देखो इसमें तीन मोड होते हैं, PCU, हाइब्रिड और स्मार्ट। अब तीनों तो गाँव, शहर और कस्बों, तीनों के लिए इसमें अलग अलग मोड है, वो देखते हैं हम कैसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ हाइब्रिड मोड। देखो हाइब्रिड मोड में क्या होता है, बेसिकली देखो हाइब्रिड मोड में क्या होगा, देखो हाइब्रिड मोड में क्या होता है, देखो हाइब्रिड मोड है गांवों के लिए, हाइब्रिड मोड किसके लिए, गांवों के लिए। इसमें क्या होता है, तो गांव में क्या होता है, दिन के समय में लाइट चली जाती है,
तो ये क्या करता है, जैसे ही आपकी बैटरी को कम से कम यूज़ करता है, चार्ज रखता है उसको। मतलब जैसे सपोज़ करो अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी और सोलर दोनों आ रही है, सपोज़ करो आपके घर में अवेलेबल है और आपकी बैटरी चार्ज है, तो ये सोलर प्लस ग्रिड का यूज़ करेगा, बैटरी को चार्ज रखेगा, बैटरी का यूज़ नहीं करेगा। तो जब भी गांव में लाइट जाएगी तो ये बैटरी और सोलर दोनों का यूज़ करके हमें बैकअप दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बैटरी का यूज़ तभी करेगा जब हमारी ग्रिड डिसेबल होगी। अगर ग्रिड आपकी अवेलेबल है तो सोलर और ग्रिड दोनों का यूज़ करेगा, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज रखेगा, ये गांव के लिए है, ताकि जब भी लाइट जाए आप बैटरी से बैकअप ले सको, ठीक है। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं हम, स्मार्ट मोड। ये क्या है, कस्बों के लिए, टाउन्स के लिए है। तो स्मार्ट मोड में क्या होता है, देखो स्मार्ट मोड में जो कस्बों में क्या होता है, बिजली बनाना भी होता है और बिल बचाना होता है। तो ये सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों पे काम करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 60% तक हम, हाँ 60% तक बैटरी को, मतलब पहले सोलर पे चलेगा फिर बैटरी का यूज़ करेगा 60% डिस्चार्ज होने तक, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ पीसीयू मोड। पीसीयू मोड क्या है, शहरों के लिए। पहले क्या करेगा, जैसे जब तक सोलर पावर अवेलेबल है सोलर का यूज़ करेगा, उसके बाद फर्स्ट सोलर का यूज़ करेगा, उसके बाद जो आपकी बैटरी है उसकी पावर यूज़ करेगा, फिर अगर बैटरी भी आपकी ख़त्म हो गई तो ग्रिड का यूज़ करेगा। तो ये बिल बचाने के लिए है, आपका लोड बिल बचाने के लिए टोटली। और इसमें क्या है, देखो जो स्मार्ट मोड है कस्बों के लिए, इसमें क्या है, पहले सोलर का यूज़ करेगा, फिर ग्रिड का यूज़ करेगा और फिर बैटरी का यूज़ करेगा, ठीक है। और इसमें हाइब्रिड मोड में क्या करेगा, देखो ग्रिड का यूज़ करेगा सबसे पहले, फिर सोलर का यूज़ करेगा और फिर बैटरी का लास्ट में, क्योंकि बैटरी हमें चार्ज रखनी है गाँव के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसमें सबसे बड़ी हमें एडवांटेज क्या है, कि जो भी मनी बैक की गारंटी देता है 30 दिन, अगर आपके ख़रीदने से 30 दिन तक अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं UTL Gamma Plus के इन्वर्टर को, तो उस जिस डीलर से आपने लिया है उसी को आप वापस दे के